दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप सभी जानते हो इस चैनल पर मैं फिटनेस से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देता रहता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ स्ट्रेचिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छी वाली स्ट्रेचिंग करेंगे आज, जो रनिंग से पहले भी कर सकते हैं, रनिंग के बाद भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत से लोग स्टैंडिंग जॉब करते हैं या बैठ के ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो रनिंग करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जब बैठ के या स्टैंडिंग जॉब करते हो तो आपका जो पूरी बॉडी का वेट है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पैरों की तरफ चला जाता है और आपकी जो मसल्स होती है ना, जो हमारी मेन मसल्स होती है, क्वाड, हैमस्ट्रिंग और काफ, उस पर थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, उस पर थोड़ा प्रेशर आ जाता है और उसमें पेन होने लगता है। लेकिन आप जब स्ट्रेचिंग करते हो अपनी इन मसल्स को, तो आपकी जो मसल्स का जो ब्लड फ्लो है ना, वो इंक्रीज होता है, जिससे आपकी जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और जो उसमें कड़कपन होता है ना, कि स्टिफनेस होती है, वो दूर हो जाएगी। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। तो आप चाहे रनिंग करते हो या जॉब करते हो, सभी के लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। आप चाहे तो उसको रनिंग से पहले भी कर सकते हो, रनिंग के बाद भी कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले स्ट्रेचिंग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधोमुख श्वानासन में आएंगे, जिससे हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। जो रनिंग नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हल्का सा बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को रखेंगे ऐसे और अपने शोल्डर को थोड़ा नीचे की तरफ दबाएंगे और हील को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए और इसमें धीरे धीरे हील को फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। आप जब हील को फ्लैट करोगे तो आपके पूरे काफ पे स्ट्रेच आएगा, आपके हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आएगा। आपको सिर्फ यही करना है, जो हील नहीं लगा सकते वो इतना ही करें, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग और आपकी काफ खुल जाएगी। तो इससे थोड़ा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी फ्लो हो जाएगा, बॉडी वार्म अप हो जाएगी और आप और एक्सरसाइज या और स्ट्रेचिंग के लिए आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम जो फर्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे सीधा करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर सांस भर के और सांस छोड़ के, जो बिगिनर है उनके हाथ नहीं पहुंच पाएंगे पैरों की तरफ, तो वो जितना भी हो सकता है उतना करें और जो जितना जा सकते हैं धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। कोशिश करनी है आपका घुटना सीधा रहे, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, आपकी काफी और आपके हैमस्ट्रिंग पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से 10 बार ब्रेथ लेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, एंड उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको 3 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको 5 बार तक भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। तो ये थी पहली। दूसरी बताने वाला हूँ मैं, जानुशीर्षासन वाली। इसमें हम पैर को थाइस से मिला देंगे ऐसे, घुटने को नीचे रखना है और ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ के लिए और साथ में आपकी बैक के लिए भी। तो दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर सांस भर के और सांस छोड़ते हुए आगे, जितना भी आप जा सकते हो, जितना आपका कंफर्ट जोन है उसी के अकॉर्डिंग करें, ज़बरदस्ती ना करें, प्रेशर ना लगाएं ज़बरदस्ती, धीरे धीरे आगे जाएं। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे यहाँ पर, सांसें नॉर्मल, जितनी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। तो आप जहाँ तक भी आप जा सकते हैं आराम से जाएंगे। इसमें भी कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, 5 से 10 बार लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस भरते वापस। इसको भी 3 बार करना है दोनों पैरों से। तो ये दोनों होने के बाद तीसरी मैं बताने वाला हूँ आपको, हाफ लंजिस, जिसको बोलते हैं अंजनी आसन बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा आपका, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, आप बहुत से इसमें घुटने को ऐसे बाहर कर देते हैं, बहुत से अंदर कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है। मैं आपको सामने से थोड़ा करके बता देता हूँ। जब भी ये हाफ लंजेस करेंगे, दोनों पैर एक लाइन पे ना हो, ऐसे जैसे आप यहाँ पे थे, यहाँ से सीधा राइट लेग आगे किया, राइट थाइस के राइट नी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका घुटना बिल्कुल सीधा, नी एंकल और हिप आपकी एक लाइन पे। अगर आप साइड करोगे तो आपको जो स्ट्रेच होना चाहिए वो नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा आपके, तो इसमें हैमस्ट्रिंग का और इसमें क्वाड पे बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें चाहें तो हाथ को ऐसे नीचे टिका सकते हैं, नहीं टिका सकते हाथ को ऐसे ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो हाथ आप आराम से घुटने पर रख के ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। इससे आपका हैमस्ट्रिंग और आपका नीचे वाले पैर का क्वाड बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। ऐसे ही दूसरे पैर से, दोनों पैर से करेंगे 3-3 बार। और आप इसे करने के बाद जो कंफर्ट हो, जिनका बैलेंस बने, वो पैर को सीधा भी कर सकते हैं और फिर इसी में ऐसे फुल मोशन के साथ ऐसे करेंगे, तो आपका पूरा हैमस्ट्रिंग, पूरा काफ, आपके नीज जॉइंट्स को भी मजबूती देगा साथ में ये। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम चौथा कर सकते हैं, घुटना सीधा करके और आगे झुका सकते हैं।
इसमें भी धीरे धीरे आगे कोशिश करनी है, घुटना हमारा सीधा रहे, टोज अंदर की तरफ रहे और जो जितना कंफर्ट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लॉक की हेल्प भी ले सकते हैं, ब्लॉक लगा के जितना आप जा सकते हो जाएंगे, धीरे 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 जितना आप इजीली कर पाओ उतना करें, ज़बरदस्ती किसी भी आसन में ना करें, किसी भी एक्सरसाइज में ज़बरदस्ती ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे, डीप इनहेल एक्सहेल, होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड, 5 to 10 ब्रेथ यहाँ पे होल्ड करना है सभी को और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसा ही दूसरे पैर से करना है। तो ये 3-3 बार आपको सभी, मतलब सभी स्ट्रेचिंग आपको 3-3 बार ज़रूर करनी है। और उसके बाद लास्ट में मैं एक और बता देता हूँ आपको क्वाड के लिए। आप जैसे यहाँ पे हो, अंजनी आसन में आए, हाफ लंजेस में, यहाँ पे हम नी को बैंड करेंगे और नी बैंड करके धीरे 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 दबाना है। ये आपके पीछे वाले क्वाड पे, पीछे वाले लेग के क्वाड पे बहुत ज़्यादा से स्ट्रेच करेगा, आपकी मसल्स को पूरा खींच के रख देगा। तो एक ब्लड फ्लो बहुत स्पीड से होगा और यहाँ पे होल्ड करना है, ब्रेथ लेंगे चाहे तो हाथ को साइड में या घुटने, 5 to 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे यहाँ पे एंड रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। तो ये थी हमारी आज की कुछ स्ट्रेचिंग, जो आप रनिंग करते हो या नहीं करते हो आप सभी इसको इजीली कर सकते हो। देखा आपने, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम कैसे कैसे अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने काफ को और अपने क्वाड को कैसे कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, ये आसन आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन में 5 मिनट निकाल के ज़रूर शामिल करें। और आप जैसे आपने देखा हो कि आप जॉब करके घर पर शाम को आते हो, आप मुश्किल से 5 मिनट के लिए सिर्फ ये स्ट्रेचिंग करोगे ना, तो आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। तो आप ये एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।